यूपी में सालों पुराने कई कानून जल्द ही खत्म हो जाएंगे। इनमें 13 विभागों के 48 कानूनों को 31 जुलाई तक खत्म करने की योजना है। खबरों के मुताबिक इस मुद्दे पर कैबिनेट की सहमति भी बन चुकी है। ऐसे में यूपी सरकार कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाकर इन कानूनों को खत्म करने की तैयारियों में लगी हुई है। जिन कानूनों को यूपी सरकार ने हटाने का फैसला लिया है उनमें 18 कानून बिजली विभाग के, 7 कानून वन विभाग के, 4 कानून खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के, 9 कानून आबकारी विभाग के और पंचायती विभाग के 3 कानून शामिल हैं। इसके अलावा परिवहन, मत्स्य, सिंचाई व जल संसाधन विभाग के 1-1, गृह, राजस्व, आवास, उच्च शिक्षा, हथकरघा और वस्त्र उद्योग के 2-2 कानूनों को समाप्त किया जाना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन कानूनों को खत्म करने की जरूरत क्यों है। तो दरअसल जिन कानूनों का जिक्र मैंने अभी ऊपर किया, ये सभी कानून काफी पहले बनाए गए थे। जब ये कानून बने तब की परिस्थितियों और जरूरत के मुताबिक ये सभी कानून सही थे, पर मौजूदा समय में कुछ नियम कानूनों की जरूरत खत्म सी हो गई है। इसलिए जो नियम फिलहाल अमल में नहीं आ रहे हैं, केंद्र ने उन नियमों को खत्म करने की पहल की है और राज्यों को भी इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसा नहीं कि सभी कानून बस यूं ही समाप्त कर दिए जा रहे हैं। पहले सभी डिपार्टमेंट से उनके यहाँ मौजूद ऐसे नियमों और अधिनियमों की एक सूची मंगवाई गई जिनका उनके यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे में सभी विभागों ने सरकारों को अपनी अपनी सूची सौंपी, जिसके बाद आगे औद्योगिक विकास विभाग के नेतृत्व में इन कानूनों को खत्म करने या फिर इनकी प्रासंगिकता पर निरीक्षण किया गया था। ऐसे में कुल 48 पुराने नियम और अधिनियम छांटे गए जिन्हें यूपी सरकार अब खत्म करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2014 से 2016 के बीच 1175 कानूनों को हटाया जा चुका है। किसी कानून को खत्म करने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको बताएं तो संविधान में प्रशासन की सुविधा के लिए 7वीं अनुसूची के जरिए संघ व राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में ऐसे कुल 61 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, जबकि समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन प्रधानता समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को ही ज्यादा दी जाती है। एक और जहां संघ सूची में कानून बनाने या समाप्त करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है और साधारण बहुमत से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर में कानून समाप्त किया जा सकता है या फिर नया कानून बनाया जा सकता है। इसी तरह राज्य सूची से संबंधित कानून बनाए जाने या समाप्त करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाता है और बहुमत से कानून समाप्त किया जा सकता है। ऐसे में यूपी की राज्य सरकार इसी प्रक्रिया के जरिए इन कानूनों को समाप्त कर रही है। यूपी राज्य सरकार के फैसले को लेकर सहमति बन गई है। अब कैबिनेट में इस पर प्रस्ताव लाया जाना अभी बाकी है। यूपी से जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को।